प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सीजन के पहले आम की बहार छा गई है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से प्रतिदिन 15 टन तक आम व्यापारी मंगवा रहे हैं, जो ग्राहकों को 120 से 150 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इंदौर के जिलों से आम की आवक अप्रैल से शुरू होती है, क्योंकि दूसरे राज्यों में इनकी पैदावार हो रही है, इसलिए वहाँ से मंगवा कर बेच रहे हैं। फल कारोबारी अमानत ने बताया कि मध्य प्रदेश में अप्रैल में आम की पैदावार होती है, लेकिन आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में फसल पहले ही आ जाती है, इसलिए 2 माह पहले से आम लोगों को खाने को मिलने लगता है। वर्तमान में आम की बादाम किस्म की आवक ज़्यादा है, जबकि सिंदूरी लाल पट्टी किस्म भी मंगवा रहे हैं। आम की स्थिति ऐसी है कि आम आ गया है बेंगलोर से, कर्नाटक से, मुंडूर से, बेलूर से। अभी आम की स्थिति बहुत टाइट है और खाने में भी स्वाद थोड़ा बुन्नी सा है। इस महीने के एंड में एक नंबर स्थिति हो जाएगी, रेट भी एक नंबर हो जाएंगे और स्वाद भी बन जाएगा, आम में कलर भी बन जाएगा, सारी क्वालिटी चालू हो जाएंगी। अल्फांसो भी आ जाएगा, केसर भी आ जाएगी, पायरी भी आ जाएगी। बादाम के भाव चल रहे हैं 100 रुपये किलो, केसर चल रही है 160, हापुस 200 रुपये किलो चल रही है, अल्फांसो के 200 रुपये किलो के रेट है। अभी तो तेज है मगर नॉर्मल हो जाएगा इस महीने में। आवक कम है, आवक बढ़ जाएगी तो रेट में आ जाएगा, रेट में बिल्कुल 60 हो जाएगा। भले ही शहर में आम की बहार आई हो, लेकिन आम का दाम खास लोगों के लिए, जिसके चलते आम आदमी को अभी आम को सस्ता होने के लिए इंतजार करना होगा। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।